प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रविवार को इंदौर आए। इस दौरान उन्होंने एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगवानी की। इसके साथ ही भाजपा कार्यालय जाकर बैठक ली। बैठक के बाद वे सपत्नीक 56 दुकान पहुंचे और व्यंजनों का लुत्फ लिया। इसके बाद वे लालबाग में चल रहे मालवा उत्सव में पहुंचे और वहां नगाड़ा बजाकर कलाकारों का उत्साहवर्धन किया। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर सुरक्षा मुहैया कराने को कहा है। गोविंद सिंह ने पत्र लिखकर कहा है कि उनकी सुरक्षा में लापरवाही बरती जा रही है, साथ ही उन पर कभी भी हमला हो सकता है, इस बात का जिक्र भी किया है। दतिया में राजघाट कॉलोनी स्थित एसडीएम के रीडर देवेंद्र मुड़िया के घर पर लोकायुक्त ने छापा मारा। यह कार्रवाई उन पर आय से अधिक संपत्ति की लगातार शिकायत मिलने पर की गई है। कार्रवाई के समय स्थानीय पुलिस बल भी मौजूद था। लोकायुक्त की टीम जांच पड़ताल कर रही है। जांच के बाद ही स्थिति साफ होगी कि घर पर क्या क्या संपत्ति मिली है। भोपाल में भदोदा पुल के पास रविवार देर रात दो पुलिसकर्मियों के बीच विवाद हो गया। सुखी सिवनिया थाने में पदस्थ सुरेंद्र जालून ने साथी पुलिसकर्मी दीपक चतुर्वेदी पर मारपीट, कार में तोड़फोड़ का आरोप लगाया है। विवाद पुरानी रंजिश को लेकर होना बताया जा रहा है। दीपक चतुर्वेदी से जालून रविवार रात भदोदा पुल पर मिले, जहां दोनों के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा कि दोनों ने एक दूसरे के साथ मारपीट कर दी। दीपक ने भी जालून पर मारपीट, गाड़ी में तोड़फोड़ का आरोप लगाया है। ग्वालियर नगर निगम के डिप्टी कमिश्नर अतिबल सिंह यादव सहित उनके परिवार पर दहेज प्रताड़ना, मारपीट और धमकाने का मामला दर्ज किया गया है। यह एफआईआर उनकी छोटी बहू रेखा की शिकायत पर की गई है। उपायुक्त की छोटी बहू ने उन पर उनके बेटों, पत्नी और बड़ी बहू पर 20 लाख रुपए मायके से लाने और नहीं ला पाने की स्थिति में लौटकर नहीं आने की धमकी देने का आरोप लगाया है। केरल में मॉनसून ने 23 दिन से 3 दिन पहले दस्तक दे दी है। मध्य प्रदेश में इंदौर सहित मालवा में मॉनसून की आमद 17 जून के बाद होगी। 5 जून तक तो मौसम साफ रहने वाला है।